मानव बनने की प्रक्रिया में होमो सेपियंस के सबसे निकट प्रतिद्वंदी रहे नियंडरथल। नियंडरथल और होमो सेपियंस में बहुत सारी समानताएं होने व मजबूत कदकाठी के बावजूद ये प्रजाति होमो सेपियंस द्वारा या तो नष्ट कर दी गई या उनमें मिला ली गई। वैज्ञानिकों की माने तो इनकी विलुप्ति का कारण इनकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। दरअसल ये प्रजाति पूर्वी अफ्रीका से निकलकर यूरोप में रहने लगी, जहां ठंडी काली रातों और धुंध भरे दिनों को देखने के कारण उनकी आंखें बड़ी होती गईं। परिणाम स्वरूप दिमाग में दृष्टि को नियंत्रित करने वाले हिस्से का विकास अधिक, जबकि सामाजिकता और जीवन जीने के लिए जरूरी सोच का निर्माण करने वाले हिस्से कम विकसित रह गए। जब नियंडरथल कपड़ों के रूप में शरीर पर चीजों को मात्र लपेटना जानते थे, उस समय होमो सेपियंस पत्थर की सुइयों से सिले गर्म वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, और इसी गहरी समझ ने सेपियंस को मानव बनने की होड़ में सबसे आगे कर दिया। जबकि 28,000 साल पहले आए हिमयुग की ठंड को नियंडरथल्स झेल नहीं सके और उनका अस्तित्व मिट गया।